और इस वक्त एक बड़ी खबर। बिहार के बक्सर जिले में कल एक बड़ा रेल हादसा हो गया है, जहां दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12506 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतर गए। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में करीब 20 लोगों को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है, बाकी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 एसी कोच भी शामिल है। यह हादसा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी और राहत बचाव की टीम पहुंची। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। पटरी से उतरी ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया कि ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, मैं बैठकर अपना कुछ कागजी काम कर रहा था, तभी अचानक से एक ब्रेक लगी और गाड़ी में धीरे धीरे झटके आने लगे, फिर एक बड़ा झटका लगा, मैं उसी समय बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक क्यों लगाई, इस बारे में वो ही अच्छे से बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ और उसे क्यों इस तरह ट्रेन को ब्रेक लगाने पड़ी। इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है, 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों को देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। बहुत दुखद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।